तो अभी देखिए, ये जो ऊपर वाला बॉक्स है ये 6 मॉडल का है, और ये जो नीचे वाला है 16 मॉडल का है, और ये 16 मॉडल का रहा प्लेट। इसकी वायरिंग हम कर दिए हैं, 6 मॉडल की जो वायरिंग यहाँ पर कर दिए हैं। ऊपर सिर्फ फेस है, एक लाइट, दो लाइट, तीन लाइट, चार लाइट, पांच लाइट, छह लाइट, छह स्विच और छह लाइट है। और जो हमारा मेन पावर आ रहा है, ये देखिए, ये मेन पावर ये कहाँ से आ रहा है, इस बोर्ड में से आ रहा है, नीचे वाले बोर्ड में से आ रहा है। देखिए ये वायर है रेड कलर का, ये वाला वायर है। अभी हम जो है इसकी वायरिंग करना आप लोगों को बताएंगे। ये जो 16 मॉडल का है, 16 मॉडल की वायरिंग आधा कुछ हम कर दिए हैं, कुछ बाकी है अभी करने के लिए। ये हम आप लोगों को बताते हैं किस तरह इसकी वायरिंग की जाती है। तो अभी देखिए, ये जो सॉकेट है, ये 16 एम्पियर की सॉकेट है, एक दो तीन चार पाँच, और ये 6 एम्पियर की सॉकेट है, और ये 16 एम्पियर का स्विच लगा हुआ है, एक दो तीन। एक स्विच पे यहाँ पर जो ये स्विच 16 एम्पियर का आप लोग देख रहे हैं, ये स्विच है और ये 16 एम्पियर का सॉकेट है। तो इसमें जो है ये 6 एम्पियर, ये 6 एम्पियर का सॉकेट हुआ, 6 एम्पियर का सॉकेट है। अब इसे हम उल्टा कर लेते हैं, इसकी वायरिंग करना हम आप लोगों को बताएंगे किस तरह इसकी वायरिंग की जाती है। तो सबसे पहले ये रेड वायर हम देख लेते हैं, ये रेड वायर देखिए, और ये रेड वायर दो, ये जो दो सॉकेट है, एक स्विच पे दो सॉकेट रहेगी, और एक सॉकेट पे दो स्विच, और एक सॉकेट पे दो स्विच, तीन स्विच है और 6 सॉकेट है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से एक वायर रेड गया हुआ है दूसरे सॉकेट में, दूसरे सॉकेट से जो है 16 एम्पियर का स्विच में गया हुआ ऊपर वाले टर्मिनल पे, इंडिकेटर के साथ हम जोड़ेंगे। उसके बाद जो है न्यूटन वायर, न्यूटन वायर एक न्यूटन में आया हुआ 5 पिन सॉकेट में, और दूसरा 5 पिन सॉकेट में चला गया, फिर उसके बाद तीसरा 5 पिन सॉकेट में आया हुआ, फिर चौथे 5 पिन सॉकेट में, और पाँचवा जो है हम कहाँ पर जोड़ेंगे अभी आपके सामने लाइव दिखाएंगे। अब जो है इस ये सॉकेट यहाँ पर बच जाता है, इसका वायर हम यहाँ जोड़ लेंगे, यहाँ से यहाँ तक ले लूपिंग कर देंगे। ये लूपिंग है, न्यूटन हमारा कॉमन रहता है, सारे न्यूटन को हम एक जगह जोड़ते हैं, अलग अलग नहीं जोड़ते हैं। तो यहाँ पर हम अच्छे तरह से इसे टाइट कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर जो इसका फेस वायर की हम बात करें, तो यहाँ से यहाँ आया हुआ है, और यहाँ से चल एक वायर इस तरह छोड़े हुए, ये चला जाएगा दूसरे वाले स्विच में, तो दो सॉकेट एक स्विच से चलेगी, और उसके बाद ये दो सॉकेट एक स्विच से, तीनों इस तरह वायरिंग हो जाएगा। अब इसके बाद हम यहाँ पर ग्रीन वायर, अर्थिन वायरिंग कर लेते हैं। अर्थिन वायरिंग के लिए हमें ग्रीन वायर का ज़रूरत पड़ेगा, तो ये ग्रीन वायर रहा। अब ग्रीन वायर की जो सारी इसी तरह हम लूपिंग कर देंगे, एक दूसरे में लूप कर देंगे। लूप कैसे करते हैं, दोनों वायर को छील लेंगे और एक साथ इस तरह ऐंठ देंगे। ऐंठने के बाद जो है फाइव पिन सॉकेट के ऊपर वाले टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे। अब यहाँ से हम खोल लेंगे ग्रीन वायर को, और इसके साथ में यहाँ से लूपिंग करके वायर को आप बढ़ा सकते हैं। उसके बाद लास्ट वाले 5 पिन सॉकेट में हम कनेक्ट करेंगे। अब इसके साथ में हमारा ये मेन ग्रीन वायर है, मेन ग्रीन वायर है, मेन ग्रीन वायर को हम छील लेंगे अर्थिन वायर, और ये मेन अर्थिन वायर है, और ये हमारे बोर्ड का अर्थिन है। देखिए दोनों को एक साथ हम इस तरह ज्वाइन कर लेंगे। ज्वाइन करने के बाद इस तरह अच्छे तरह से ऐंठ देंगे 5 पिन सॉकेट के अर्थिन वायर टर्मिनल।
अभी हमारी ग्रीन वायर जो है अर्थिंग की वायरिंग हो गई है, आप लोग देख सकते हैं सारे वायर लूपिंग है। अब हम न्यूटन की वायरिंग करेंगे। न्यूटन की वायरिंग एक बार हम चेक कर लेते हैं। यहाँ 5 पिन सॉकेट से 5 पिन सॉकेट में, उसके बाद तीसरे वाले 5 पिन सॉकेट में, यहाँ से फिर चौथे वाले 5 पिन सॉकेट में, उसके बाद पाँचवें वाले 5 पिन सॉकेट में, उसके बाद ये 6वें वाले जो है 6 वाले 5 पिन सॉकेट में हम लेकर आए हुए हैं। तो यहाँ से ये वायर को निकाल लेंगे। ये हमारा बोर्ड का वायर है न्यूटन, और ये हमारा मेन है। दोनों वायर को हम यहाँ से छील लेंगे। दोनों वायर को हम यहाँ 5 पिन सॉकेट में कनेक्ट कर देंगे। अब सॉकेट से हमारे स्विच की वायरिंग रह गई है। सॉकेट से हमारी स्विच की वायरिंग रह गई है। तो हमारे जो 3 स्विच हैं, पहले वाले स्विच में हम ए वाला वायर कनेक्ट करेंगे। ए दोनों का, पहले वाले में ये दोनों सॉकेट का कनेक्ट किए हुए हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। और दूसरे वाले जो सॉकेट है, इसका दूसरे वाले स्विच में कनेक्ट करेंगे। अब यहाँ से ये जो है एक इंडिकेटर का एक वायर ले लेंगे, इसके साथ में इस तरह हम अच्छे तरह से ऐंठ देंगे। ऐंठने के बाद जो है स्विच के ऊपर वाले टर्मिनेट पे कनेक्ट करेंगे। ये 16 एम्पियर का सॉकेट है और स्विच दोनों। अब यहाँ पर हमारी सारी वायरिंग बोर्ड की हो गई है। हमें फेस की वायरिंग करना है। तो फेस की वायरिंग करने के लिए हमें फेस का वायर लेना है। तो हमारा मेन फेस वायर ये है। अब ऐसे स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पे यहाँ पर हम कनेक्ट करेंगे, स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पे। एक वायर को हम इस तरह माप लेंगे। मापने के बाद इस जितना मापेंगे उतना ही मापने के बाद इसे हम उतना छील लेंगे। छीलने के बाद इसे अच्छे तरह से इस तरह ऐंठ देंगे। उसके बाद वायर को हम यहाँ से कट कर लेंगे। अब देखिए स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पे लाके इस तरह शॉर्ट कर दिए हैं। शॉर्ट करने में ये हमारा मेन पावर सप्लाई है, जो हमारे मेन एमसीबी सा, इसको स्विच के बीच वाले टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे। अब दूसरे वाले बोर्ड के लेके, जो हमारा ये 6 मॉडल का बोर्ड है, इसमें वायर लेकर जाएंगे। मेन पावर सप्लाई उसमें भी चाहिए, इसे दूसरे वाले स्विच के नीचे वाले पॉइंट पे कनेक्ट करेंगे। दूसरे वाले स्विच के नीचे वाले पॉइंट पे कनेक्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर इंडिकेटर का एक वायर हमारे पास अभी बच जाता है, इसे हमें जोड़ना है। ये है छोटा, तब यहाँ से हम एक ब्लैक वायर ले लेंगे और इसमें जो है अच्छे तरह से इस तरह। जोड़ने के बाद इसमें हम ब्लैक टेप या कोई भी कलर का आप टेप मार सकते हैं। टेप मार देंगे अच्छी तरह से। अब इसे हम किसी एक न्यूटन में कनेक्ट कर देंगे। किसी भी एक न्यूटन में हम कनेक्ट कर सकते हैं इसे। तो दोस्तों ये रहा पूरा बोर्ड की वायरिंग, कंप्लीट हो गई है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ स्विच है, 1 2 3 4 5 6 6 स्विच की वायरिंग यहाँ पर हो गई है। सिर्फ इसमें लाइट का वायर जोड़ा गया है, 6 लाइटें हैं, 1 2 3 4 5 6
छह लाइटें हैं, छह लाइट का वायर जोड़ दिया गया, ये मेन पावर सप्लाई है। और न्यूटन देखिए यहाँ पर टेप मार के इस तरह रख दिया गया, अब ये चलेगा, यहाँ से लाइट हम ऑन करेंगे तो लाइट जलेगी क्योंकि न्यूटन डायरेक्ट है और सुचित्र है। अब ये जो 16 एम्पियर का हमारा बोर्ड लगा हुआ है ये कंप्लीट यहाँ पर तैयार हो गया। अब बीच में एक स्विच का जगह रह गया तो यहाँ पर हम ये वायर निकाल के आएंगे, ये हमारा स्पीकर का वायर है, इस बीच में से हम निकाल लेंगे। अब आप लोगों को अगर बोर्ड समझ में नहीं आया तो एक बार हम फिर से समझा देते हैं। देखिए सबसे पहले हमें न्यूटन की वायरिंग करनी है, तो न्यूटन की वायरिंग यहाँ एन लिखा हुआ है 5 पिन सॉकेट पे, यहाँ से एक वायर लेके आएंगे यहाँ पर, फिर उसके बाद यहाँ पर लेके आएंगे, यहाँ से एक वायर लेके आएंगे इस वाली सॉकेट में, उसके बाद यहाँ से दूसरे वाली सॉकेट में लेके जाएंगे, फिर लास्ट वाली सॉकेट में, इसमें ला कर मेन वायर जोड़ देंगे। अब उसके बाद जो हमारा स्विच है, दो सॉकेट एक स्विच पे है, दो स्विच देखिए यहाँ से लूपिंग है, यहाँ से एक फेस वायर गया हुआ है यहाँ पर, यहाँ से बीच वाले स्विच में चला गया है, तो ये दो सॉकेट एक स्विच पे चल रहा है। अब इसी तरह दो सॉकेट एक स्विच पे चल रहा है, यहाँ से लूपिंग है, यहाँ से लेकर आए हुए हैं स्विच में चला गया, इसी तरह ये दोनों जो है स्विच एक सॉकेट पे, यहाँ से कंप्लीट हम लेकर आए हुए हैं, यहाँ पर जोड़ दिए हुए हैं इस स्विच पे। तो आप लोगों के ये देखिए ये स्पीकर वायर है, और स्पीकर वायर के इतना छोटा टुकड़ा हमने काट लिया है। स्पीकर में कैसे कनेक्शन किए जाते हैं मेल फीमेल का, यहाँ पर माइनस वाले को जो है माइनस वाला जो वायर रहेगा वो कॉमन पे, यहाँ पर कॉमन लिखा हुआ है, कॉमन पे कनेक्ट करेंगे। तो हम कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट करने के लिए हमें यहाँ पर प्लस और माइनस इस तरह कनेक्ट कर देंगे, और जैसे यहाँ से हम स्विच को ऑन करेंगे हमारी ये जो मशीन ऑन हो जाएगी, उसके बाद जो ये बनना चालू होगा। अगर आपको कभी भी समझिए ये लेके जाना है तो आप यहाँ से इस तरह निकाल देंगे, और निकालने के बाद आसानी से लेके जा सकते हैं। तो आप लोगों को सेम इसी तरह कनेक्शन जैसे आप इसमें करेंगे उसी तरह इसमें भी कनेक्शन करना है, 2 पिन में इसी तरह कनेक्शन करना। और स्पीकर वायर जो है सेपरेट आया हुआ है, हर जगह से सेपरेट आया वायर आया हुआ है, 4 स्पीकर हैं यहाँ पर, देखिए 4 वायर आया हुआ है, 4 वायर, 1 2 3 4, 4 वायर आया हुआ है, चारों वायर जो है सेपरेट है। सेपरेट वायरिंग करने से हमें फायदा क्या रहता है, और ये कौन सा वायर है स्पीकर, ये जो है इसका नाम है ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन वाले जो वायर आप लेंगे उससे फायदा क्या रहता है, जब भी शोर शराबा होगा उसमें आवाज एकदम क्लीन आएगी, आपको एकदम परफेक्ट आवाज इससे आएगी। तो आप इस तरह वायरिंग कर सकते हैं आसानी से, और मैं अभी चालू करके आप लोगों को दिखाऊंगा। इस तरह दोनों वायर को लगा देंगे, लगाने के बाद यहाँ से ऑन करेंगे, देखिए स्विच ऑन है प्लग पॉइंट में, वो ऑन करने के बाद अब देखिए इधर जो मशीन में कनेक्शन है, यहाँ पर 2 मशीनें हैं, अभी एक का जो है इसी तरह हम रखे हुए हैं। अगर हमें इसमें कनेक्ट करके चलाना है, मान लीजिए बाय चांस मशीन ख़राब हो गई तो हम तुरंत कनेक्ट कर सकते हैं, इस तरह आप कनेक्ट कर सकते हैं दोनों मशीन। इसका जो वायर है जो देखिए ये जो कनेक्ट करके रखे हुए, ये मान लीजिए मशीन ख़राब हो गई तो हम तुरंत इसमें कनेक्ट कर लेंगे, इसमें जिसमें अभी कनेक्ट किए हैं। तो चलिए अभी सामने से इसका जो एक केबल आया हुआ है, ये देखिए ये नीचे वाले मशीन में यहाँ से यहाँ पर आया हुआ है, अब इसे हम चालू कर लेते हैं, ये जो यार इधर से इसको चालू कर लेते हैं, ऐसे चालू करेंगे पहले, तो इसका मशीन यहाँ से ऑन करेंगे, पावर मशीन ऑन हो गया, यहाँ से मशीन को ऑफ करेंगे तो ऑफ हो जाएगा, देखिए मशीन हो गई यहाँ से ऑफ हो गया, सारी लाइटें बंद हो गई। अब हमें ऑन करना है तो यहाँ पर पावर लिखा है, ऑन हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर हेलो
यहाँ से ऑन करेंगे, देखिए यहाँ पर ऑफ है, इसको ऑन करेंगे, ऑन हो गया। हेलो 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 हेलो। और यहाँ से आप समझ में आ गया होगा कि स्पीकर के, और मैं बात करूँ तो ये देखिए यहाँ पर एक स्पीकर है और दूसरा का स्पीकर यहाँ पर है, और जो है तीसरा वाला स्पीकर यहाँ पर है और चौथा वाला स्पीकर यहाँ पर है। इसका वायर आया हुआ है, यहाँ से घुमा के हम आप लोग दिखाएं, ये जो प्रोजेक्टर है प्रोजेक्टर से होते हुए आया हुआ है और इस तरह यहाँ पर आया हुआ, उसके बाद यहाँ पर कोने में आया हुआ है। अब ये केसिंग पट्टी जो देख रहे हैं, इस केसिंग पट्टी में होकर इस तरह नीचे आया हुआ है, ये केसिंग पट्टी है, इस तरह नीचे आया हुआ है। जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पर जरूर प्रेस कीजिए।